नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्किन वाइटनिंग के ऊपर। एक नुस्खा बताने वाला हूँ आपको जिससे आपकी जो स्किन जो है वो लाइटर हो जाएगी, और ये खुद का आदमी और नुस्खा है और ये महिला और पुरुष दोनों के ऊपर काम करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों मैं अपने वीडियो के एनालिटिक में जाके देखता हूँ तो वहाँ पे जो है आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिससे मेरी मेहनत जो है वेस्ट चली जाती है। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करके रिसर्च करके आपके लिए नुस्खे लेके आता रहता हूँ, और आप जो है वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो इसमें नुकसान आपका भी है, मेरा भी है, दोनों का नुकसान है। मेरी जो है मेहनत सफल नहीं हो पाएगी और आपकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है आपको पूरी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और जो मैं बातें बता रहा हूँ उन पर ज़रूर अमल करिए, और दोस्तों आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट इसको में मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, स्किन वाइटनिंग के लिए जो नुस्खा बताने वाला हूँ वो होम रेमेडी है और आसानी से जो है आपको घर पर मिल जाएगी, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक हफ्ते तक इसको यूज़ कर लेते हैं तो आपको जो है इसका रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको 2 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाता है वैसे तो, बाकी हफ्ते भर में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करके मैं सीधा होम रेमेडी की तरफ आता हूँ। दोस्तों आपको लेनी है 4 चीज़ें, आप कहीं पर लिख सकते हैं। आपको लेना है मसूर दाल, आपको लेना है बादाम, बादाम का पाउडर, सूखे बादाम नहीं, उसको थोड़ा सा पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, मसूर दाल का भी पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपको लेना है चावल, चावल कोई भी हो सकते हैं जो आपके घर में बन रहे हैं, किस तरह के भी चावल, उसे ब्राउन, वाइट, आपके बासमती, किसी प्रकार के चावल हो सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है दही या फिर दूध, अब दोनों कौन सी स्थिति में लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले ऐसा करिए, मसूर की दाल है उसका पाउडर बना लीजिए और उसको जो है एक बॉल में रख लीजिए। उसके साथ ही जो है अब दोस्तों क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना है, आपको बनाना कितना है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आपको बनाना है तो हमेशा मसूर दाल आपको ज़्यादा लेनी है, मतलब 2 चम्मच मसूर दाल लेनी है, और उसमें 1 चम्मच लेना है आपको बादाम का पाउडर, 1 चम्मच लेना है आपको चावल का पाउडर, ये सब आपको लेना है। अब इसमें दूध डालें या दही डालें? देखिए दोस्तों, अगर आपकी स्किन जो है नॉर्मल स्किन है या फिर आप बोल लीजिए नॉर्मल ड्राई स्किन है, तो उसमें जो है आप दूध इसमें मिक्स कर सकते हैं और दही भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपकी स्किन जो है एकदम क्रैक वगैरह आते रहते हैं स्किन के और पपड़ी वगैरह निकलती हैं, उस प्रकार की अगर आपकी स्किन है, आपको एलोवेरा जो जेल होता है वो आप मिला लीजिए। वो क्या करेगा, आपकी स्किन जो है उसमें मॉइस्चर जो है ला देगा, जिससे आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप एलोवेरा दूध की जगह मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा तेल निकलता रहता है आपकी स्किन से, तो आपको ना तो एलोवेरा डालना है, ना आपको दूध डालना है, ना आपको दही डालना है, आपको सिर्फ डालना है उसमें गुलाब जल, ये आप डाल दीजिए, और ये एक प्रकार का आपका पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को जो है आप अपने फेस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, राउंड शेप में आप उसकी जो है मसाज कर सकते हैं, आप अपने हाथों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको जहाँ पे भी सन टैनिंग हुई है, सूरज की किरणों की वजह से आपके वहाँ पे कालापन आ गया है, तो उसकी जगह पे जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपकी स्किन जो है आप एक बार ट्राई इसको ज़रूर करिए, 100% लिख के देता हूँ आपको, 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं मसूर की दाल हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करती हैं, इसके अलावा स्किन की जो डेड सेल्स होती हैं उनको जो है निकालती हैं, स्क्रब की तरह काम करती हैं। इसी तरह चावल हैं, इसी तरह दोस्तों बादाम हैं, ये भी जो है सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। बादाम में जैसे आपको पता है विटामिन ई होता है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो इस नुस्खे को अगर आप ट्राई करते हैं तो स्किन को पूरा पोषण मिलता है और स्किन जो है खिली खिली रहती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।